हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स की। अब आप स्टूडेंट हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एक बिजनेसमैन हैं, साइंस के बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेट स्किल। इस सेगमेंट के अंदर हम दो तरीके की वीडियोस बनाते हैं, एक होती है ग्रीन बेल्ट वीडियो और दूसरी होती है ब्लैक बेल्ट वीडियो। ग्रीन बेल्ट वीडियो के अंदर हम जनरल स्किल्स के बारे में बात करते हैं जो एज ए वर्किंग प्रोफेशनल, आप किसी भी फील्ड में हो, आपको आने चाहिए, और ब्लैक बेल्ट वीडियोज के अंदर हम बात करते हैं स्पेसिफिक स्किल्स की जो एक अकाउंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल को आनी जरूरी है, भले ही आप अपने पहले जॉब के लिए जा रहे हो या ऑलरेडी वर्क कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। ये एक ब्लैक बेल्ट वीडियो है, मगर मुझे यहाँ पर लगता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस होना और अपने सेविंग्स को कैसे सेफ तरीके से इन्वेस्ट करना और अच्छे से अच्छे रिटर्न्स कमाना, ये सिर्फ अकाउंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स को नहीं आना चाहिए, ये हर किसी को आने चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो हर किसी के लिए रिलेवेंट होगी। ये हमारे कई सारे आने वाले लेक्चर्स में से एक है। यहाँ पर हम 20 से 25 लेक्चर लेंगे जो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स हम फिनिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा हर हफ्ते एक या दो वीडियो कम से कम डालने की, ताकि आपका लर्निंग बिना रुकावट के चलती रहे। अगर आप सही में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपनी सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली शेयर मार्केट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी नॉलेज कम्प्लीट हुए बिना शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का ना सोचें। तो अगर इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स का आप लगातार पार्ट बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल शुरू करते हैं हमारे पहले लेक्चर के साथ। मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि नॉलेज के बिना अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अंधेरे में बिना हेडलाइट के गाड़ी चलाने जैसा है। आप खुद का भी नुकसान कर सकते हैं और दूसरों का भी। सबसे पहले तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको बताऊं कि स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल क्या है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स की, उन्होंने कहा कि भाई अगर 2001 में सिम्फनी कंपनी के अंदर अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो दिसंबर 6, 2019 तक आपके 10,000 2.17 करोड़ तक पहुंच गए। और एक बात नोटिस करी आपने, मैंने ये नहीं बोला कि पिछले साल इन्वेस्ट किया और इस साल आपको इतनी रिटर्न मिल गई। डिस्क्रिप्शन में ये रिपोर्ट मैंने अटैच करी है, जस्ट आप देखें कि अगर आप लॉन्ग टर्म मेंटालिटी से इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो कितना गेन यहाँ पर हो सकता है। नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, कंपेयर करके देखते हैं हमारे पास और क्या क्या मोड्स हैं जहाँ पर हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर कितना कमा सकते हैं। अगर आप पैसे जमा करते हैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट के अंदर तो ऑन एन एवरेज 7% का इंटरेस्ट रेट आप कमा सकते हैं। वैसे ही अगर आप अपने पैसे सेविंग अकाउंट के अंदर जमा करते हैं तो 4% के आसपास हम रिटर्न कमाते हैं। वहीं पे गोल्ड और रियल एस्टेट में पिछले 5 साल के अंदर तकरीबन 5% का एवरेज अर्निंग रेट रहा है। बट अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की ड्यूरिंग द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, तो स्टॉक मार्केट आपको 18 से 20% तक का रिटर्न देता है, और म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 11 से 12% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लिमिट है, एक एवरेज फिगर बताया, इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि सर हम क्या क्या सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, वो ज़रा मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ, फटाफट से आप देख लें। तो यहाँ पर हम कुल 6 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है। दूसरा, कि अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम कितना रिटर्न कमा सकते हैं। सर हम शुरू कब करें और कितना पैसा लगाएं स्टॉक मार्केट के अंदर, और उसके बाद समझेंगे व्हाई स्टॉक मार्केट हैज़ अ बैड नेम, क्यों कई सारे लोग बोलते हैं भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहली बात, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है। शेयर्स खरीदना किसी बिजनेस में हिस्सेदारी लेने जैसा ही है। एक कंपनी के 1,00,000 शेयर हैं और आप उसमें से 1,000 शेयर ले रहे हैं, इसका मतलब आपने उस कंपनी की 1% की हिस्सेदारी ली। फॉर एग्जांपल, आप और आपके दोस्त मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, आपने भी 10,00,000 रुपये लगाए, उन्होंने भी 10,00,000 रुपये लगाए, कुल 20,00,000 मिलाकर आपने एक बिजनेस शुरू किया। लेट्स से कि आपकी बराबर की हिस्सेदारी है, तो अगर आपको 1,00,000 का फायदा हो गया तो 50,000 आप कमाएंगे और 50,000 आपका दोस्त, और वैसे ही आपको 1,00,000 का नुकसान हो गया तो 50,000 आप लूज करेंगे और 50,000 आपका दोस्त लूज करेगा। यानी कि आप कमाएं ये डिपेंड करता है बिजनेस की परफॉर्मेंस पे, और यही शेयर मार्केट के अंदर भी होता है। मगर यहाँ पर एक साथ आपको बहुत सारा 10,00,000 अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाई जो भी आपकी सेविंग है, भले वो 10,000, 5,000 या 1,000 रुपये क्यों ना, आप उससे किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स के अंदर एक कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं और ये डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, मैं आपको सिखाऊंगा।
अगली बात है कि सर कितना पैसा हम स्टॉक मार्केट के अंदर कमा सकते। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि भाई 18 से 20% तक का रिटर्न ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये नहीं कह रहा इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते अगर आप सिस्टमैटिकली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करते समय आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली बात जो हमने अभी फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करी वो थी रिस्क, और दूसरी बात रिटर्न। तो हमारी ये कोशिश होती है जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा रिस्क है हमारा रिटर्न उससे ज़्यादा आए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है और इसी वजह से आप इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसी दो कंपनियों के अंदर और दोनों ही कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस का थोड़ा नुकसान हो जाए तो आपका पूरा लगाया हुआ पैसा डूब सकता है, क्योंकि आपने दोनों ही कंपनियों के शेयर्स ऐसे खरीदे हैं जो कार मैन्युफैक्चर करते थे। यहाँ पर मैं आपको डाइवर्सिफाई करने की एडवाइस देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि सर हम दो कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तो हमने कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और दूसरी हमने एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। सो लेट्स से कि अगर कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नीचे जा रहा है और इस वजह से इनके शेयर्स के प्राइसेस भी नीचे जा रहे हैं, और उसी टाइम पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस अच्छा कर रहा है और उनके स्टॉक प्राइसेस अब जा रहे हैं, तो ओवरऑल आप अपना 18 से 20% का रिटर्न जो है वो सिक्योर कर पाएँ और आपका लगाया हुआ पैसा कभी भी डिप्लीट नहीं। इसके बारे में और स्ट्रेटजीज हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमें कब इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही बेटर है। आपको याद होगा अभी शुरू शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिम्फनी कंपनी का, जिसके अंदर अगर किसी ने 19 साल पहले 2001 के अंदर पैसा लगाया था तो दिसंबर 6, 2019 को वो व्यक्ति 10,000 रुपये लगाकर करोड़पति बन चुका है। साथ ही साथ में जब आप यंग होते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप सीखने को इच्छुक होते हैं, आपके पास जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम होती हैं, पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो हमारी सेविंग्स जो हैं थोड़ी सी स्लिम होती जाती है और हम रिस्क लेने से भी डर। अगला सवाल है कि सर कितना पैसा हमको लगाना चाहिए स्टॉक मार्केट क्या? तो इसका भी एक कैलकुलेशन मैं आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर बताऊंगा, बट बड़ा बेसिक सा चीज़ आपको बताऊं, जितना आप यंगर साइड पे हैं और जितनी आपकी जिम्मेदारियां कम हैं उतना आप सेविंग का ज़्यादा पोर्शन लगाना चाहिए आपको। बट जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है, रिस्क एपेटाइट कम होती है, तो आपको अपना कुछ पैसा ऐसी जगहों पर लगाना चाहिए जहाँ पर आपका रिस्क पैसा लूज़ करने का बहुत कम है, और रिमेनिंग पोर्शन ही आपको लगाना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। इसका कैलकुलेशन भी आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं बताऊँगा। सर ये सब तो ठीक है, कई सारे लोग हमको ये बोलते हैं कि पैसा मत लगाओ स्टॉक मार्केट के अंदर, कहीं और लगा दो, बड़ा जोखिम है, बड़ा रिस्क है, जुआ है, सट्टा है और न जाने क्या क्या। कई लोग शॉर्ट टर्म मेंटालिटी से शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और कई सारे हमें दोस्तों से सुनने को भी मिलता है, यार मैंने तो आज पैसा लगाया सुबह और शाम को मैंने इतना कमा लिया। हो सकता है किसी ना किसी एग्जांपल में सच में ऐसा होता भी हो, मगर हर बार ये नहीं होता और ये मेंटालिटी बहुत ही डेंजरस है। भाई कोई बिजनेस हम पार्टनरशिप में शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी हम 3 साल 4 साल तो वेट करते हैं अच्छा प्रॉफिट आने के लिए। भाई कोई प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो उसके अंदर भी कम से कम 5 साल 6 साल 7 साल वेट तो करते हैं, भाई इसका प्राइस बढ़े उसके बाद उसे बेचेंगे। स्टॉक मार्केट में भी आपको लॉन्ग टर्म मेंटालिटी रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म मेंटालिटी से जो भी इन्वेस्ट करते हैं इवेंचुअली पैसा लूज कर। कई बार ऐसा होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती और स्टॉक मार्केट के अंदर हम पैसा लगा देते, भाई दोस्त ने एडवाइस दे दी, रिश्तेदार ने बता दिया, भाई अंदर की खबर है इस शेयर का प्राइस यहाँ ऊपर जाने वाला है, अभी खरीद लो, हफ्ते में पैसा डबल हो जाएगा, 2 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, और हम कुछ सोचते समझते नहीं और पैसा लगा देते। और इसीलिए ये लेक्चर्स बैक टू बैक हर हफ्ते मैं आपके लिए डाला करूँगा ताकि आप सोच समझ के निवेश करें, इन्वेस्ट करें। और वैसे ही कई सारे स्कैम्स भी स्टॉक मार्केट को लेकर होते रहते हैं, कई सारे लोग अपना पैसा लगाते हैं और पैसा खो बैठते हैं, और ऐसे तगड़े लॉस के बाद वो खुद तो कसम खा ही लेते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, औरों को भी बताएंगे और हमारी पुश्तों को भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने देंगे। ऐसे ही कुछ स्कैम्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पर मैंने बना रखी, उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, जाके देख लें किस तरह के स्कैम होते हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। अब आखिरी बात हमारी कि सर ये शेयर मार्केट काम कैसे करती है। देखिए शुरू शुरू में मैंने आपको कहा था कि कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप पैसा कमाएंगे या गवाएंगे। अब ये परफॉर्मेंस की बात जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अगर हम ध्यान में रखें तो ये बिल्कुल सही बैठ, मगर अक्सर शेयर मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि शेयर्स का जो प्राइसेस है वो बढ़ता या घटता रहता है। सर ऐसा क्यों? मार्केट क्या है भाई? मार्केट वहाँ है जहाँ पर बायर भी हैं और सेलर भी हैं, और हर मार्केट की तरह डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से ही किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस सेट होता है, वैसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी डिमांड और सप्लाई की वजह से किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस सेट होता है। आपको ध्यान होगा तो अभी लॉकडाउन के समय कई सारी चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, स्पेशली सब्जियों का। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम थी, मंडियां बंद थी, मगर डिमांड ज़्यादा थी तो उनका प्राइस बढ़ गया था। और जैसे ही सब कुछ पटरी पे आने लगा ये जो प्राइसेस हैं घटने शुरू हो। क्यों? क्योंकि मंडियां खुल गई और सप्लाई बढ़ना शुरू हो गया। ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब सर ये डिमांड और सप्लाई कैसे डिसाइड होता है, ये हमको कैसे पता चलेगा,
ये हम समझेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे डिमांड और सप्लाई के अंदर फ़र्क आता है और कैसे आप उसे एस्टिमेट कर सकते हैं व्हाइल मेकिंग योर डिसीजन टू इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर कंपनी। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक्स हमने स्टॉक मार्केट का बात किया। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप एक कंपनी का फंडामेंटली वो स्ट्रांग है कि नहीं आप एनालिसिस कर सकते। साथ ही साथ में एक डिस्क्लेमर भी मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, जिस भी कंपनी के मैं एग्जांपल लूँगा मैं कतई सजेस्ट नहीं कर रहा कि वो कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, और पहला या दूसरा एपिसोड देखकर आप इन्वेस्ट कर लें ये तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा। और जो बातें हमने इस लेक्चर के अंदर करी हैं आप उसमें से कुछ भी क्लैरिफिकेशन मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लो, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ और आपकी नॉलेज को पक्का कर दूंगा, ताकि आप आत्मनिर्भर हो जाएं और सक्षम हो जाएं शेयर मार्केट के अंदर खुद से इन्वेस्ट करने के लिए। अभी के लिए इतना ही, आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।